बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी सी बहनों और भाइयों, मैं हूँ नातवा सईद हबीबी। दोस्तों, अक्सर लोग परेशान होते हैं, उनके रिस्क में, उनकी रोज़ी में बरकत नहीं होती है, दुनिया उनसे मुंह मोड़ लेती है और कोई भी उनका पुरसान हाल नहीं होता है उनकी तंगदस्ती की वजह से। आज आप सबके लाई हूँ ऐसा बेमिसाल वजीफ़ा जो आपको पढ़ना है शाबानुल मुअज्जम में, और इंशाल्लाह इस वजीफ़े को आप जारी रखेंगे, क्योंकि ये वजीफ़ा ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने हमें बताया है। फरिश्तों की ये तस्बीह है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने क्या फ़रमाया है इस वजीफ़े के बारे में, नहायत आसान सा अमल है। इस तस्बीह को पढ़ लीजिए 100 बार और कीजिए अपनी मुश्किलात को आसान, चाहे हो नौकरी चाहे हो कारोबार। आपके रिस्क में, आपके कारोबार में ऐसी बरकत अता होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। आइए हदीस मुबारक के ज़रिए भी आपको हम वजाहत कर देते हैं, पर वीडियो को आप लाजमी आखिर तक देखिएगा। पहले हमारे चैनल सईद टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दिया करें ताकि डेली अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यारे साथियों, हदीस मुबारक है, एक बार एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बारगाह हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, रिस्क में बरकत नहीं होती है, कारोबार जो करता हूँ उसमें मुझे फ़ायदा नहीं होता है, रिस्क में अक्सर तंगदस्ती रहती है। तो आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, क्या याद नहीं तुम्हें वो तस्बीह जो फरिश्तों और मखलूक की है जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है। जब सुबह सादिक तुलू हो यानी फजर से पहले ये तस्बीह 100 बार यानी 100 मरतबा पढ़ोगे तो रिस्क, पैसा, दौलत ऐसे आएगी तुम्हारे पास कि दुनिया देखती रह जाएगी। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम चले गए। कुछ दिनों के बाद, कुछ मुद्दत के बाद जब वो दोबारा हाजिर हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में वो बहुत खुश होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैंने मलाइका की ये तस्बीह पढ़ी और मेरे पास रिस्क की ऐसी फरावानी हुई, ऐसा मालामाल में हुआ कि दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई, इतना आई कि मैं हैरान हूँ कि अब मैं वो रिस्क संभालूँ तो कैसे संभालूँ, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है। अल-ख़सायसुल कुबरा जिल नंबर है 2 और सफ़ा नंबर 299। अब तरीका अमल आप सब गौर से सुन लीजिए। अव्वल और आखिर आपको पढ़ना है दुरूद पाक 3-3 बार। शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है कोई सा भी 3-3 बार, और फिर आपको पढ़ना है दरमियान में, यानी 3 बार दुरूद पाक आपने पढ़ लिया और फिर पढ़ना है आपको 100 मरतबा ये तस्बीह। तस्बीह है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह है मलाइका की। आपको कब पढ़ना है? सुबह सादिक से पहले, यानी सुबह सादिक फजर की नमाज से पहले आप इसको पढ़ लीजिए। तहज्जुद के वक्त आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तहज्जुद का टाइम होता है उस वक्त आप नमाज़ पढ़िए और ये तस्बीह पढ़ लीजिए। अगर आप उस वक्त ना उठ सके तो आप फजर की नमाज के फौरन बाद भी ये तस्बीह पढ़ सकते हैं, बस सूरज निकलना नहीं है उस वक्त, सूरज के निकलने से पहले पहले आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। शबानुल मुअज्जम का ये महीना है, रहमत और बरकतों वाली रातें हैं, तो शुरू कर दीजिए इस तस्बीह को, और ये अमल आपको रोज़ाना करना है जितना हो सके, छोड़ना नहीं है इस अमल को, और इसी तरीके से कीजिए। 100 टाइम्स आपको पढ़ना है मलाइका की ये तस्बीह। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वजीफ़ा समझ आ गया होगा। हर एक के लिए आम है ये, हर कोई आसानी के साथ ये अमल कर सकता है। अब इसी बात पर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जज़ाकअल्लाह खैर।